हेलो, आज मैं बहुत ही सिंपल और बहुत ही साधारण सी रेसिपी लाई हूँ चावल बनाने की। बेटी ऐसे ही बस बनाते बनाते खाना मेरे मन में ख्याल आया कि बहुत सारे लोग होते हैं जो कॉलेज स्टूडेंट होते हैं या जिनको चावल नहीं बनाने आते सिंपल से, और कभी किसी कारणवश अगर उनको बनाना पड़े तो चावल में पानी कितना डालें, ये सबसे बड़ी टेंशन होती है। तो आइए देखते हैं कि चावल कैसे बनाते हैं। तो आइए चावल बनाना स्टार्ट करते हैं। उसके लिए आप चावल को बहुत अच्छे से पहले बीन लीजिए, साफ़ देख लीजिए इसमें कोई गंदगी तो नहीं। उसके बाद चावल को बहुत अच्छे से साफ पानी से धुल लीजिए, 2-3 पानी में। फिर मैं जैसे आपको चावल बताऊंगी सेम ट्रिक कुकर में भी बनाने की होगी। बस कुकर में क्या है कि आपको चावल भिगा के रखने नहीं है, तुरंत चावल धुल के पानी डाल के चढ़ा देना है, और भगोने में आपको 2-3 घंटे रखना पड़ेगा। 2-3 घंटे ना हो तो 1 से 1.5 घंटे तो ज़रूर। तो मैंने चावल धुल लिए हैं और भगोने में डाल दिए हैं जिसमें मुझे बनाना है। तो आप देख रहे हैं मेरी उंगली के 3 हिस्से हैं, तो मेरे चावल ना बहुत नए हैं ना बहुत पुराने हैं, तो मैं 1.5 हिस्से के बराबर जो है ना पानी डालूंगी। अगर आपके चावल बहुत नए हैं तो आप 1 हिस्से के बराबर डालिए, अगर आपके पुराने हैं तो आप 2 हिस्से के बराबर डालिए पानी। और गैस को मैंने जला दिया है, तेज़ आँच पर मैं इनको रख दूँगी। और मैंने अपने चावल 2 घंटे रख लिए हैं धुलने के बाद, उसके बाद गैस जला के तेज़ आँच पे मैं इनको रखूँगी। थोड़ा सा घी मैं इसमें डाल दूँगी ताकि मेरे चावल बहुत खिले खिले से बने। और नींबू है तो 2-4 बूंद आप नींबू की भी डाल सकते हैं, मेरे पास नहीं इसलिए मैं नहीं डाल रही हूँ। और बीच बीच में इसको चलाते रहिए। मैं तो साथ में रोटियाँ भी सेक रही हूँ और साथ में चावल बन रहे हैं, तो मेरे अभी 10 मिनट भी नहीं लगेगा बन जाएंगे। और थोड़ा सा नमक डालिए, इतना डालिएगा कि वो नमकीन ना हो। बस चावल आपके खिले खिले और टेस्टी अच्छे बनने के लिए नमक और घी में डाल रही हूँ। आप देख रहे हैं मेरे चावल काफ़ी खोलने लगे थे। अब मैं गैस धीमी कर दूँगी और फिर ढक दूँगी, और धीमी गैस पे 2-4 मिनट पकने के बाद आप देख सकते हैं मेरे चावल अच्छे से बन गए हैं, बहुत अच्छे खिले खिले से। अब इसको गैस बंद करके मैं इसको ढक के रख दूँगी और थोड़ी देर बाद मैं इसको खोलूँगी, और आप देख रहे हैं सारे चावल खिले खिले और बहुत ही अच्छे बने हुए हैं। आप सभी भी बनाइए, अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक।